पहले हम बात करेंगे सनस्क्रीन क्या है। तो सनस्क्रीन एक मेकअप प्रोडक्ट का ही हिस्सा है, लाइक आपकी जिंदगी का लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जैसे कहते हैं, तो उसी तरीके से ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। लाइक सनस्क्रीन क्या करता है, हमारे चेहरे पे एक बैरियर लाइक एक प्रोटेक्शन सील जिसको कहते हैं वो बनाता है। लाइक जब भी हम धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो यूवी रेस के अल्ट्रावाइट किरण जो आते हैं, यूवी ए, जो हमारे एजिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देती है। और इतनी जल्दी कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने एज को बहुत आगे लेके जाए, इसके लिए महंगे महंगे क्रीम प्रोडक्ट हम सब यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए सनस्क्रीन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। और यूवी बी भैया वो तो और ज्यादा महान हो चुके हैं, उनकी वजह से आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम तो हो सकते हैं, पिगमेंटेशन, छाइयां, इनफैक्ट इवन टोन, सन बर्न और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या होती है, सबसे बड़ी भयानक चीज जिसको कहते हैं वो होता है स्किन कैंसर। आप ट्रस्ट करो, स्किन कैंसर तक की डिजीज भी हमारे सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करने की वजह से होती है। तो आप सोचिए भैया सनस्क्रीन हमारे लिए कितना मस्ट है। तो आई होप आप समझ गए हो कि सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए और सनस्क्रीन एक्चुअली में है क्या। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं, तो ये है लोटस का हर्बल सेफ सन और इसके रिव्यू मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो इसके पैकेजिंग की अगर बात करूँ तो सबसे पहले ये प्लास्टिक की इस तरह के ट्यूब में आती है दोस्तों, विच इज़ वेरी नाइस। आई थिंक आप देख सकते हो कलर भी बहुत सुनहरा है इसका, और इस तरीके का फ्लिप कवर है, कैप है, लाइक आप बहुत आसानी से इसको खोल और बंद कर सकते हो, इसके अंदर आपका सारा प्रोडक्ट रहेगा। और साथ में बता दूँ ये इसमें क्या क्लेम करती है, तो लोटस का हर्बल सेफ सन है, 3-in-1 डेली सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन करेगा, स्किन लाइटनिंग करेगी और मैटिफाइंग आपकी स्किन को पूरी करती है अच्छे तरीके से। तो ये है PA++++ SPF 40 और UVA और UVB दोनों चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करती है। साथ में ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और एक टिंटेड है लाइक। तो आपके अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ दोस्तों, तो इसकी प्राइसिंग है 365 रुपीज़, और अगर इसकी इसकी सेल्फ लाइफ की बात करूँ तो 2 ईयर्स है, विच इज़ वेरी नाइस। 2 साल एक सन ब्लॉक के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत सारे क्लेम तो करती है, सन सेफ 3-in-1 डेली सन ब्लॉक है, ये आपको बहुत सारे सन के जो भी यूवी रेज वगैरह जो भी चीज़ आती है उससे आपके फेस को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके टेक्सचर की, ठीक है। टेक्सचर अब मैं बात करती हूँ, जरा सा मैंने लिया है, ये फाउंडेशन कलर में है दोस्तों और ये टिंटेड कलर में है। लाइक इसकी खास बात ये लगती है मुझे, ये बहुत अच्छे से मतलब आपकी स्किन में एब्जॉर्ब तो होती है, साथ में देखिए आप कितना मैट लुक देता है ये आपकी स्किन को दोस्तों, और सच्ची में ये बहुत मैट लुक देता है। और इसकी खास बात मुझे ये लगती है कि ये नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल भी ऑयली, ये एकदम भी ऑयली नहीं है। ज़्यादातर आप देखो कि जितना भी सनस्क्रीन हम लोग यूज़ करते हैं ना वो बहुत ऑयली होता है, जिस वजह से लगता है चिपकू चिपकू चिपकू, राइट, तो तभी हमें अप्लाई करने का मन नहीं करता। मगर इसके मामले में ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो भी चीजें क्लेम करता है बिल्कुल सही है दोस्तों। सन प्रोटेक्शन करता है, स्किन लाइटनिंग आपकी करती है। लाइक आप बीवी क्रीम लगाते हो तो कैसे कवरेज मिलता है आपको, जस्ट इसमें भी सेम यही है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट के हवाले से और इसके प्राइसिंग के हवाले से ये बहुत अच्छी है। और इसके क्वांटिटी में बताना भूल गई हूँ, तो मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। ये है 100 ग्राम का दोस्तों, ये 100 ग्राम का है, तो इसके प्राइसिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छा जा रहा है। और इसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दी। सनस्क्रीन लगाने का पहला स्टेप है कि आप जब भी बाहर जाए उससे 20 मिनट पहले ही सनस्क्रीन अप्लाई करें और अपने क्लीन फेस पे ही सनस्क्रीन यूज़ करें। उसके लिए सबसे पहले हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए अपने फेस पे, लाइक आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, मैं यहाँ निविया का लाइट मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। तो सबसे पहले आपको कभी भी सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करनी चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर सन ब्लॉक ले रही हूँ लोटस का, जो कि मैं ज़रा सा नहीं ले रही हूँ, थोड़ा अच्छे क्वांटिटी में लीजिएगा आप, ये नहीं कि बस लगा रहे हैं तो बस लगा रहे हैं उसको। इस तरीके से आपके जो भी हिस्से जैसे एक्सपोज होते हैं लाइक उस सब जगह में भी आपको लगाना है। और कभी भी आप जब सनस्क्रीन अप्लाई करो तो इस तरीके से रब करते हुए बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको, आपको सिर्फ इसे डैब डैब मोशन में लगाना है। और धीरे धीरे 5 मिनट लगेगा इसको एब्जॉर्ब होने में, जितना टाइम लगेगा आप इसको दे सकते हो आराम से। जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आप अपना कोई भी मेकअप कर सकते हो, लाइक फेस पाउडर लगाओ, कॉम्पैक्ट लगाओ, बीबी क्रीम लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। और इसके बाद यही तरीका है आपका सनस्क्रीन लगाने का। तो फ्रेंड्स आपको सनस्क्रीन से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको मिल ही चुके होंगे कि आपको सनस्क्रीन क्यों अप्लाई करना चाहिए, सनस्क्रीन क्यों मस्ट है और किस तरीके के सनस्क्रीन आपको लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आई होप यू आपके लिए बहुत मददगार साबित हुई होगी। और अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच इसको बहुत शेयर करिए, बिकॉज
समर आ चुके हैं और धूप की वजह से बहुत लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम यार स्किन के से रिलेटेड हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा इस वीडियो को मेरा शेयर कर दो, उससे उसका तो भला होगा, साथ में मेरी भी कुछ भला हो जाएगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके सामने आएगा बेल बटन से हिट जरूर करिएगा ताकि मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप हमेशा अपडेट रह सको। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटी।